स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मयंक पांडे और आज के इस वीडियो में ना क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। अब ध्यान से बात को समझिए, एक मिनट बस ध्यान से बात को समझ लीजिए कि जो चैप्टर नंबर 1 है, हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है वो है सॉलिड स्टेट और भैया वो बोर्ड से हटा दिया गया है, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे कि जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, तब आप उसको पढ़ना है, वरना आप उसको मत पढ़िए। तो सॉलिड स्टेट हम लोग करेंगे क्या भैया? बिल्कुल करेंगे, लेकिन आखिरी में करेंगे, पहले बोर्ड्स वाले सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसे मान लीजिए चैप्टर 2 है तो उसमें 2.1, 2.2, 2.3 इस तरीके से जो है टॉपिक्स डिवाइडेड है। तो हर एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक को उठाएंगे, उस एक टॉपिक को आपको समझाएंगे, उस एक टॉपिक से जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो बताएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बताएंगे। तो हर एक टॉपिक में हम लोग कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला 2.1 में जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसी टॉपिक को आज हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सब चीजें मैंने आपके लिए लिख दी है, नोट्स चाहे तो आप यहां से एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो। मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ में दे दूंगा, आप वीडियो से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। वीडियो से समझकर नोट्स बनाइए और ध्यान दीजिए बेस्ट नोट्स वही होंगे जो आप खुद से बनाओगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात ध्यान से समझिए, यहां पर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल करें, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया है, बीकर में मैंने आधा से ज्यादा बीकर में पानी को लिया है, वाटर लिया है, और उसमें मैं यहां पर सॉल्ट को, एक चम्मच सॉल्ट को ऐड कर रहा हूं। अब सारा खेल इसी एग्जांपल का है, इसी से आपको सॉल्यूशन समझ में आने वाला है। ध्यान से बात को समझिए, जो मैंने यहां पर एक बीकर लिया जिसमें आधा से ज्यादा मैंने पानी भरा है, इस वाटर का जो क्वांटिटी आप मुझसे पूछोगे तो वाटर का जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, और केमिस्ट्री में अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो जिसका भी क्वांटिटी ज्यादा होता है, जिसका भी क्वांटिटी ज्यादा होता है, मेरे साथ बोलिएगा, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो आप उस सॉल्वेंट में एड कर रहे हो, जो आप यहां पर सॉल्ट को एड कर रहे हो, वो आपका सॉल्यूट होता है। और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को मिक्स कर देते हो, यानी आप वाटर लिए उसमें आप शुगर डाल दिए, वाटर लिए उसमें आप नमक डाल दिए, सॉल्ट डाल दिए, मिक्स कर दिए, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब आप मिक्स करते हो तब आपके पास यहां पर सॉल्यूशन आता है। भैया अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सॉल्यूशन क्या, तो क्या ऐसे ही डेफिनेशन देंगे कि भैया आप पानी लिए उसमें नमक को मिलाए, आप पानी लिए उसमें चीनी को मिलाए, ऐसे एग्जांपल दोगे? नहीं, एक प्रॉपर डेफिनेशन यहां पर मैंने आपके लिए लिख के रखा है, सॉल्वेंट का भी, सॉल्यूट का भी, सॉल्यूशन का भी, एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट लाइन उठाई गई है, इसको भी हम लोग अच्छा से समझते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हो ना, तो आप एक बात का तो आप श्योर ले लो कि आपका जो एनसीईआरटी है लाइन बाय लाइन हर एक चीज कवर होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में फोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर, पहला लाइन है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि भैया सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। भैया सॉल्यूट तो आपने बता दिया कि जो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट भी आपने बता दिया जो ज्यादा अमाउंट में होगा। ये होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है? होमोजेनियस का ये मतलब है, यहां पर साइड में मैंने आपके लिए लिखा है, इसको बाद में पढ़ते पहले समझते हैं। होमोजेनियस का ये अर्थ होता है कि अगर आपने एक वाटर लिया है एक गिलास और उसमें आपने चीनी डाला है, तो अगर आप वाटर को स्टार्टिंग में पीजिए और अच्छे से मिक्स किया है, ठीक है, चीनी लिया है, पानी लिया, अच्छा से मिक्स किया है, तो अगर आप पानी को पी रहे हो तो स्टार्टिंग में जो आप सिप लोगे उसमें जो चीनी का मात्रा रहेगा, उसमें जो मिठास रहेगी और जो आखिरी में जो मिठास रहेगी, वो दोनों हमेशा बराबर होगा। तो यहीं पर देखिए होमोजेनियस मिक्सर का ये मतलब होता है कि उसका कॉम्पोजिशन होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन।
ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी मेरी वो आई इस ग्लूकॉन डी से, ठीक है, पूरा मैंने खत्म कर दिया। ध्यान से बात को समझिएगा, मैंने इसमें पानी लिया, इसमें मैंने ग्लूकॉन डी को ऐड किया तो और अच्छे से मिक्स किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने सिप लिए होंगे और अभी जो थोड़ा सा बचा जो मैं अभी आखिरी में ले लूंगा, इन सब में जो मेरा जो टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, जो न्यूट्रिशंस आ रहे होंगे वो सब क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, सेम होंगे। तो इसको एक सेकंड साइड में रख देते हैं। तो ये ही है सॉल्यूशन का एक डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखने वाले हो कि सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब भैया सॉल्वेंट अगर पूछ ले कि व्हाट इज सॉल्वेंट या फिर पूछे व्हाट इज सॉल्यूट तो उसका भी डेफिनेशन बताइए। तो सॉल्वेंट का तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया ही कि जो लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है यानी कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है तो जो भी लार्ज क्वांटिटी में होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। भैया डेफिनेशन क्या इतने ही लिख के आएंगे, नहीं एक और लाइन आप ऐड कर दीजिए कि सॉल्वेंट जो होता है वो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। भैया इस चीज को ना थोड़ा सा समझा दीजिए कि जो मैंने यहां पर लिखा है कि सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट, इस चीज को अच्छा से समझते हैं, ध्यान से बात कीजिए, बात समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्वेंट वो होता है जिसका क्वांटिटी क्यों से मैं लिख रहा हूं, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। और सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्वेंट में आपको एक सॉल्यूट को ऐड करना पड़ेगा। अब इस लाइन में आइए, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट तो है जो है वो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। ध्यान से बात को समझिए, अगर मेरा सॉल्वेंट गैस है, अगर मेरा सॉल्वेंट गैस है और इसमें आप सॉल्यूट के तौर पर आप मान लीजिए सॉलिड को ऐड कर रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो, सॉलिड को ऐड कर रहे हो एज अ सॉल्यूट, तो ये जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर गैस ही होगा, गैसियस सॉल्यूशन ये कहा जाएगा। अभी आगे चार्ट में सबको देखेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड है, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो भले आप उसमें लिक्विड डाल रहे हो, सॉलिड डाल रहे हो या फिर गैस डाल रहे हो, उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का जो नेचर है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, आप उसमें कुछ भी ऐड करो, आखिरी में जाके वो सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। अभी आगे हम लोग एक चार्ट देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। आखिरी में आते हैं, सॉल्वेंट का डेफिनेशन ये था, सॉल्यूट देख लीजिए। तो भैया सॉल्यूशन से आपने जो भी सॉल्वेंट को हटा दिया, जो भी कचरा आपके पास बचा है वो क्या होगा, वो आपका सॉल्यूट होगा। ध्यान से बात को समझिएगा, सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अगर आपने सॉल्वेंट को हटा दिया तो सॉल्यूशन में जो कुछ भी बचा होगा वो सॉल्यूट होगा। और एक बात नोट कर लीजिएगा, वन और मोर कंपोनेंट जो होंगे सॉल्वेंट को हटाने के बाद, अगर आपने सॉल्वेंट को रिमूव कर दिया है, सॉल्यूट जो भी होगा या तो वो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, गर्मी के मौसम में सब पीते हैं पानी लिया, अब भैया आप उसमें चीनी भी डालते हो, उसमें आप नींबू भी डालते हो, तो वो जो पानी आपने लिया है वो सॉल्वेंट है, जो आपने चीनी को ऐड किया वो सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है, जो नींबू ने आपने डाला, जो नींबू आपने डाला वो भी क्या होगा, वो भी सॉल्यूट होगा। तो ये जो थी एक बेसिक बातें थी जो आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही समाप्त हो जाता है। अभी हम लोग एक चार्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, और इसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। तो अब यहां से एक स्लाइड चेंज होगा, दूसरे स्लाइड में हम लोग बढ़ेंगे। अब ध्यान से बात को समझिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो चार्ट का मैं एक बार आपको फोटो दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, यही वो चार्ट है जिसको बोला जाता है स्कूल में कि भैया अच्छा से रट लो, ठीक है, अच्छा से रट लो, फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनने में थोड़े आसान हो जाएंगे। तो इस चीज को अब रटना नहीं है, अब कैसे ये पूरा का पूरा चार्ट बनता है वो अभी हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो जिस प्रकार एनसीईआरटी में चार कॉलम बनाया गया है उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चार कॉलम आपके लिए बना देंगे, एक दो तीन और चार, ठीक है। अब ये चार कॉलम बन गया, अब एकदम आराम से बात को समझिएगा। जिस प्रकार मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें भैया सॉल्वेंट होता है साथ ही साथ सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है और
सॉल्यूट होता है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। एक और बात भी सुन लीजिए यहां पर कि भैया तीन फिजिकल स्टेट होते हैं, 3PS, 3PS, तीन फिजिकल स्टेट होते हैं। भैया हम लोगों ने तो तीन से ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, तो अगर आपने ज्यादा पढ़ा है तो आपको ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, आपने पढ़ रखा है बहुत सही। लेकिन यहां पर हम लोग तीन फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, उन दोनों को या उन चारों को हटा दे रहे हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में आपने पांच पढ़ा होगा, इंटरनेट में आप आए होंगे तो आपने सात भी पढ़ा होगा, लेकिन जो मेन तीन है उसी को लेकर हम लोग चल रहे होंगे। तो वो मेन तीन कौन से है भैया? एक तो हमारे पास सॉलिड है भैया, भैया एक तो हमारे पास लिक्विड है, और भैया हम लोग एक चीज जानते हैं कि गैस भी फिजिकल स्टेट के अंदर में आता है। आपने यहां पर भैया शॉर्ट ट्रिक यूज किया है, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, 3PS, थ्री फिजिकल स्टेट्स होते हैं। तो भैया अगर आप गुड मॉर्निंग को GM बोलते हो तो मैं इसको भी बोल सकता हूं इसे, ठीक है। अब ध्यान से बात को सुनिए, जो इंपॉर्टेंट है, तीन फिजिकल स्टेट हमको पता है, मेन होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन्हीं तीनों को आपस में मिलाना है, सॉल्यूशन को बना देना है। हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होता है, तो सॉल्वेंट को अपने बेस मानकर हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। सो एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे सॉल्वेंट को, किसको लिखेंगे? सॉल्वेंट को। एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे सॉल्यूट को, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग उसके नेचर को लिखेंगे, या फिर आप एनसीईआरटी की भाषा में चल रहे हो तो हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन को लिखेंगे। चार कॉलम हमारे पास रेडी हो गए हैं, नेचर और टाइप का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का और एग्जाम्पल का। अब कुछ किताबी कीड़ा होंगे, वो बोलेंगे भैया सॉल्यूट तो इस साइड था, सॉल्वेंट तो इस साइड था एनसीईआरटी में। तो भैया चेंज तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से बात को समझिएगा, तीन फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सबसे पहले आपने सॉल्वेंट में, यानी जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, आपने उसको लिक्विड लिया है, या फिर लिक्विड नहीं से गैस से स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से एनसीईआरटी में है उसी प्रकार से चलेंगे, वरना फिर आप बोलेंगे नहीं भैया गैस से स्टार्ट था, आपने सॉलिड से क्यों स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ले लेते हैं भैया सबसे पहले गैस, क्या ले लेते हैं? गैस। अब ध्यान से बात को समझिएगा, सॉल्वेंट में हम लोगों ने गैस को रखा है। अब गैस के साथ क्या क्या मिक्स कर सकते हैं भैया? कुछ भी मिक्स कर सकते हैं भैया गैस के साथ। तो भैया हम लोग सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं भैया गैस के साथ, तो हम लोग लिक्विड को भी मिक्स कर सकते हैं भैया गैस के साथ, तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस को भी, खुद गैस को भी मिक्स कर सकते हैं भैया, सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से बात समझिए, सॉल्वेंट हम लोगों ने लिया गैस, यानी हमारे पास जो ज्यादा जिसका क्वांटिटी है वो गैस है। गैस को हम लोगों ने पहले सॉलिड के साथ मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बनाया। गैस को हम लोगों ने लिक्विड के साथ मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बनाया। गैस को खुद गैस के साथ मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बनाया। तो भैया एक एग्जांपल हमको बताइए सब चीजों का, कि गैस सॉलिड के साथ क्या है, कौन सा एग्जांपल, गैस लिक्विड के साथ कौन सा एग्जांपल, गैस गैस के साथ कौन सा एग्जांपल। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो है उसी को लेकर चलते हैं। तो भैया आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि आपने जो सॉल्वेंट लिया है गैस, वो भैया नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। आपके एनसीईआरटी बुक में सॉल्वेंट को क्या माना गया है? नाइट्रोजन। अब भैया नाइट्रोजन ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सबके साथ आ रहा है, तो भैया नाइट्रोजन सब में रहेगा, क्योंकि भैया सब में सॉल्वेंट है। तो नाइट्रोजन जो है वो इसमें भी है, नाइट्रोजन जो है इसमें भी है। बस अब और क्या भैया, अब सबका एग्जाम्पल देना है सॉलिड का। गैस तो आपने लिख दिया कि नाइट्रोजन, गैस को आपने लिखा नाइट्रोजन, गैस आपने लिखा नाइट्रोजन। अब गैस जब सॉलिड के साथ आए तो वो सॉलिड का आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो सॉलिड का एग्जाम्पल है कपूर। क्या? कपूर, वही जो पूजा में यूज किया जाता है, इंग्लिश में इसको कैंपर बोलते हैं, कैंपर प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। लिक्विड के साथ अगर बात करेंगे और गैस के साथ बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि लिक्विड के साथ
हम लोग एग्जाम्पल देते हैं क्लोरोफॉर्म का, इसका क्लोरोफॉर्म का, ये वही क्लोरोफॉर्म है जैसे पिक्चर में फिस फिस मारते हैं तो इंसान 2 मिनट में बेहोश हो जाता है, 2 मिनट या 2 सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। अब भैया गैस का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई सा भी गैस के नाम लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन आपने पढ़ा ही होगा साइंस, ठीक है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी होता है ऑक्सीजन भी होता है, अ मिक्सचर ऑफ एयर, वही चीज ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो ध्यान से बात को समझिएगा, सॉल्वेंट हम लोगों ने पहले गैस रखा है, तो गैस में हम लोग सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं, गैस में लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं, गैस में खुद गैस को भी मिक्स कर सकते हैं। गैस सॉलिड का एक एग्जाम्पल होता है कपूर और नाइट्रोजन, कैंपर प्लस नाइट्रोजन। गैस लिक्विड का एग्जाम्पल होता है क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। गैस गैस का एग्जाम्पल होता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अब आपके बुक में ना कुछ इस तरह से लिखा गया है, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस। तो इसका यही मतलब है कि कैंपर, क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन गैस जो नाइट्रोजन गैस में मिलाए गए हैं, तो ये आपके सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। भैया एक बॉक्स तो आपने यहां पर खाली ही छोड़ दिया है, ये आपके लिए खाली छोड़ा गया है, क्योंकि इससे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि जो सॉल्वेंट होगा सेम वही नेचर होगा सॉल्यूशन का। तो गैस को अगर आप सॉलिड के साथ लेके जाइए, गैस को आप लिक्विड में मिक्स करिए, गैस को गैस में मिक्स करिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ही गैस ही होगा। तो इसको लिख देते हैं गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बात? टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। अगर मेरा सॉल्वेंट गैस है तो मेरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी गैस ही होगा, तो गैसियस सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा है। अब भैया गैस सॉल्वेंट को हम लोगों ने गैस माना, अब हम लोग सॉल्वेंट को ले लेते हैं क्या? लिक्विड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लिक्विड ले लेते हैं। तो फिर से भैया वही तीन केस बनेगा, आप लिक्विड को किसी सॉलिड के साथ ऐड कर सकते हो, आप लिक्विड को किसी गैस के साथ ऐड कर सकते हो, आप लिक्विड को किसी लिक्विड के साथ ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहां पर एक चीज है भैया, सॉलिड गैस लिक्विड ये ऊपर नीचे हो सकता है, उतना भी आप इसको मत गौर करिएगा। तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो भैया एक पहले तो लिक्विड ले लेते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने गैस में नाइट्रोजन दिया था वैसे एक लिक्विड का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो लिक्विड के एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हम सब लोग वाटर ही लेते हैं, ठीक है, वाटर सब में वाटर लगा देते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट हम लोग क्या रख रहे हैं? सेम ही रखते हैं, ठीक है, वरना ज्यादा एग्जाम्पल कौन रटेगा या फिर कौन समझेगा। एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भैया हम लोगों ने जो लिक्विड लिया है वो वाटर है। अब सॉल्यूट जो है उस हिसाब से एग्जाम्पल में ऐड करना है, सॉलिड और लिक्विड को ऐड करना है। तो सॉलिड में एक एग्जाम्पल ले लीजिए ग्लूकोज का, इसका ग्लूकोज का, गैस प्लस वाटर। तो भैया गैस में आप ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। लिक्विड तो भैया वाटर के साथ, तो भैया आप लिक्विड में कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए भैया, लिक्विड और लिक्विड का तो बहुत सारा हो जाएगा, दूध और पानी कितना मिलाया जाता है? बहुत मिलाया जाता है। और लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल दीजिए भैया, इसका तो खत्म ही नहीं होगा। कोको कोला घर में आए हैं, दो भाई है, दोनों को बांटना है, बड़ा भाई अपने ज्यादा ले लिया, छोटा भाई को कम कोको कोला दिया, उसे पानी मिला के ज्यादा करके उसको दे दिया। तो भैया कितनी चीजें हैं। अब भैया आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वो है इथानॉल। क्या दिया है? इथानॉल। तो यहां पर बात ध्यान से समझिएगा कि लिक्विड को सॉलिड के साथ ऐड करेंगे तो मेरा जो एक एग्जाम्पल ले लिया है वो है ग्लूकोज वाटर, लिक्विड को गैस के साथ ही ऐड करेंगे ऑक्सीजन प्लस वाटर, लिक्विड को लिक्विड के साथ किए तो इथेनॉल प्लस वाटर। अब इससे पहले वाले स्लाइड में लोगों ने लाइन पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट का नेचर होगा वही नेचर वही टाइप सॉल्यूशन का होगा। तो लिक्विड को आप किसी से भी ऐड करिए, ये कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन ही। क्या कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन ही। समझ में आया? अब भैया गैस हम लोगों ने सॉल्वेंट में रखा, लिक्विड सॉल्वेंट में रखा,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब सॉलिड को सॉल्वेंट में रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां पर लिखते हैं सॉलिड, क्या सॉलिड, सॉलिड को हम लोग सॉलिड के साथ ऐड कर सकते हैं, सॉलिड के साथ ऐड कर सकते हैं, सॉलिड को हम लोग गैस के साथ ऐड कर सकते हैं, सॉलिड को हम लोग लिक्विड के साथ ऐड कर सकते हैं। भैया इसको स्टार्टिंग में ही भर दे रहे हैं कि जो मेरा सॉल्वेंट होगा वही सेम नेचर, वही सेम टाइप सॉल्यूशन का भी होगा। तो सॉलिड है तो मेरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा। क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही होगा। और एग्जाम्पल तो भैया एग्जाम्पल अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, बुक में कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, खुद रिलेट करके आप भी एग्जाम्पल बना सकते हो। सॉलिड सॉलिड को आपको मिक्स बताना है, तो भैया जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है आप वही छापिए, आप कुछ भी लिख दीजिए ना, सॉलिड सॉलिड यानी कि आपको एक सॉलिड लेना है, एक दूसरा भी सॉलिड लेना है, जैसे कि गोल्ड लिए है, जैसे कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसको बोला जाता है प्योर गोल्ड, लेकिन मार्केट में 21 कैरेट 20 कैरेट भी है, यानी गोल्ड के साथ कुछ और मिलाया जा रहा है। तो हम लोग मान ले रहे भैया कि गोल्ड के साथ कॉपर मिलाया जा रहा है। अभी कॉपर का स्पेलिंग शायद अब सही है, ठीक है, तो गोल्ड प्लस कॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड। तो ये एग्जाम्पल इतना काफी ज्यादा आसान है, रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो, वहां से आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो कि भैया ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें हम लोग गैस भी मिला सकते हैं, ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें हम लोग लिक्विड भी मिला सकते हैं। बहुत कुछ हो जाएगा अगर आप अपने आसपास देखिएगा, साइंस और कहीं नहीं होता है, साइंस आपके अगल बगल ही होता है, बस देखने की देरी होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 2.1 को कवर कर लिया है। अब अगला जो वीडियो है आप डायरेक्ट जाइए देखिए 2.2, और उसमें क्या है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आसानी से आप कनेक्ट कर पाओगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।